वसईच्या परमार आत्महत्या प्रकरणी अद्यापही माणिकपूर पोलिसांनी कुठल्याच प्रकारचा गुन्हा नोंदवला नाही ही लाजिरवाणी गोष्ट म्हणावी लागेल। त्यामुळेच माणिकपूर पोलिसांची भूमिका कुठेतरी संशयास्पद दिसत आहे। किसन सिंग परमार यांच्या मृतदेहाचा अंत्यविधी राजस्थान येथे झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबियांनी आज माणिकपूर पोलीस स्टेशनमध्ये पोलिसांना गुन्हा नोंद करण्याची विनंती केली आहे। माणिकपूर पोलिसांनी अद्याप केवळ आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून अद्यापही गुन्हा नोंद केलेला नाही। 23 मार्च रोजी किसन सिंग परमार यांनी त्यांच्याच कार्यालयात गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती आणि ही आत्महत्या शशी म्हात्रे आणि राजेश नंदा यांच्या जाचाला कंटाळून करत असल्याचं सुसाईड नोटमध्ये नमूद करून ठेवलं आहे। घटनेच्या दिवशी घटनास्थळावर सापडलेली सुसाईड नोट किसन परमार यांच्या भावाने स्वतः वाचली होती। मात्र असं असताना देखील पोलीस सुसाईड नोटमध्ये असलेले शशी म्हात्रे आणि राजेश नंदा यांच्यावर गुन्हा दाखल करायला टाळाटाळ करत आहे। जर सर्वसामान्य माणसाचं नाव सुसाईड नोटमध्ये असलं असतं तर माणिकपूर पोलिसांनी एवढ्याला गुन्हा दाखल केला असता। मग एवढ्या मोठ्या करोडपती आरोपींवर गुन्हा दाखल करायला माणिकपूर पोलिसांवर कोणाचा दबाव आहे का आणखीन काही डाळ शिजत आहे अशी चर्चा सध्या वसई विरारमध्ये सुरू आहे। राजेश नंदा आणि शशी म्हात्रे तसेच मयत झालेला किसन सिंग परमार यांच्या जमिनीचा व्यवहार झाला होता। किसन सिंग परमार यांनी जमीन 4.5 करोड रुपयांना शशी म्हात्रे आणि राजेश नंदा यांना विकली होती। परंतु म्हात्रे यांनी नंदा यांनी पैसे दिलेच नव्हते। अखेर कंटाळून किसन परमार यांनी स्वतःच्याच कार्यालयात गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे। आपल्या भावाला न्याय मिळावा अशी मागणी आता किसन परमार यांच्या भावाने केली आहे। जी मेरा नाम गणेश सिंह परमार है और मेरा बड़ा भाई किशन सिंह परमार जो कि वसई में जो हुआ सुसाइड उसके लिए मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मामले की जांच करें और गुनहगार को सज़ा मिले। आपने सुसाइड नोट पढ़ा था, सुसाइड नोट में क्या लिखा था? सुसाइड में नोट में दो नाम लिखा था जो है राजेश नंदा और शशिकांत म्हात्रे। इनसे कुछ पैसा लेना देना था, वो लोग ने दिया नहीं, इसके लिए भाई ने सुसाइड किया। कितना पैसा था और तब कितने महीने हो गए थे विवाद? लगभग मेरे को जितना आइडिया है उतना कि 6 महीने हुए लगभग और 4 करोड़ के लगभग पैसा है, मेरे को ऐसा जानकारी मिली। हमारे राजस्थान सरकार के CP साहब और यहाँ के उद्धव ठाकरे जी से ये हाथ जोड़कर विनती है कि ये गुनहगार जो भी गुनहगार हैं इस कत्ल के या मर्डर के, इनका कैसे भी करके उनको न्याय दिलाया जाए और इन गरीब परिवार का कैसे भी करके इनके छोटे छोटे बच्चों हैं तो उनको जो गुनहगार है उनको सलाखों के पीछे पहुंचाए और इनका जो भी लेन देन है उनको दिलाने की कृपा करें, यही हम उद्धव ठाकरे जी से चाहते हैं। सर हम FR पोस्टमार्टम करवाने के बाद में बोड़ी गांव लेके चले गए तो 2 दिन का वक्त नहीं मिला। आज आके हम आज जो 27 तारीख को हम FIR दर्ज कराने के लिए हमारे समाज वाले आए हुए हैं और इसमें हम हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई के हमारे वरिष्ठ समाजजन और अध्यक्ष साहब मोहन सिंह जी मोकाड़ा साहब मिलके हम ये चाहते हैं कि इनमें जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन भी करेंगे, जहाँ पे जरूरत पड़ी तो हम 1000 से 2000 लोग इकट्ठे होके बड़ा से बड़ा रिस्क उठाने के लिए भी तैयार है कि इनको कैसे भी करके इनको न्याय मिले, यही चाहते हैं। अगर इन पर एक्शन नहीं लिया गया और गुनहगारों को नहीं पकड़ा गया तो हम यहाँ पर आंदोलन की तैयारी भी करेंगे।